हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल लॉजिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, इस सेक्शन में हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में। यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन जो है उसका यूज दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए किया जाता है। तो पहले हमें उस मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स देखना है। यहाँ पर देखिए, सिंटैक्स MUL इंस्ट्रक्शन का यूज करना है और बाद में सोर्स रजिस्टर्स। तो यहाँ पर सोर्स जो है वो रजिस्टर होगा, मेमोरी लोकेशन होगा। तो सोर्स का मल्टीप्लिकेशन यानी सोर्स में जो कंटेंट्स है, जो डेटा है, अगर सोर्स आप रजिस्टर यूज करते हैं तो रजिस्टर का जो डेटा है, या मेमोरी लोकेशन यूज करते हैं तो मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है उसका मल्टीप्लिकेशन बाय डिफॉल्ट एक्युमुलेटर में जो कंटेंट होता है उसके साथ किया जाता है। यानी यहाँ पर डेस्टिनेशन बाय डिफॉल्ट क्या है, एक्युमुलेटर है, यानी AX रजिस्टर यहाँ पर डेस्टिनेशन रजिस्टर है। तो इस तरह से इसका सिंटैक्स है। सिर्फ यहाँ पर MUL इंस्ट्रक्शन यूज किया है और सोर्स यूज किया है, डेस्टिनेशन बाय डिफॉल्ट एक्युमुलेटर होता है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स, MUL BL यानी MUL इंस्ट्रक्शन है और BL सोर्स रजिस्टर है जिसमें डेटा स्टोर होगा। तो BL का जो डेटा है या कंटेंट है उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, AL के साथ होगा, यानी एक्युमुलेटर रजिस्टर के साथ होगा। यानी यहां पर क्या परफॉर्म होगा, AL इंटू BL। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन इस तरह से परफॉर्म हो जाएगा। तो देखिए, हम एग्जांपल देखते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 28-bit नंबर्स इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर। दो नंबर है जो कि 8 बिट हमें लेने हैं। यहां पर देखिए, मूव AX कॉमा 000 देन MOV BS कॉमा AX देन MOV देन पहले हम लेते हैं BL सॉरी AL कॉमा AL 02 और BL में लेते हैं 04। यहाँ पर देखिए, देन हमें मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन का यूज करना है, MUL देन BL से लिखना है। BL क्या है, सोर्स है और BL का कंटेंट क्या है, 04 है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, AL के साथ। यानी यहाँ पर होगा MUL BL अगर परफॉर्म हुआ तो क्या होगा, AL इंटू BL ये परफॉर्म होगा। यानी AL में जो वैल्यू है 02 है उसका मल्टीप्लीकेशन 04 के साथ होगा और रिजल्ट मिल जाएगा 08। इस तरह से क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर बाद में देखिए, इसी एग्जांपल के लिए दिखाया मैंने, बाद में देखिए ये कमेंट्स है और बाद में आता है, यहाँ पर हमें स्टॉप करना है HLT NOP नॉप यानी नो ऑपरेशन। तो ये प्रोग्राम हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ 28 बिट नंबर्स इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर। तो यहाँ पर देखिए, हम प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। ये हमें यहाँ पर एमुलेटर यूज करना है। यहाँ पर देखिए, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, या मैं यहाँ पर देखिए ये प्रोग्राम हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कॉपी किया AX00 DX कॉमा AX देन मूव AL कॉमा 02 मूव BL कॉमा 04 देन MUL BL। यानी सिंटैक्स में जैसा है उस तरह से है, मल इंस्ट्रक्शन है और BL सोर्स रजिस्टर है। तो उसका मल्टीप्लिकेशन बाय डिफॉल्ट एक्युमुलेटर के साथ होगा और एक्युमुलेटर में कंटेंट है 02। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम एक्युमुलेट करते हैं। एक्युमुलेट करने के बाद यहाँ पर ओरिजिनल सोर्स कोड आ जाता है और हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पर देखिए, और रजिस्टर जो है यहाँ पर देखिए AX उसका हायर बिट और लोअर बिट BX CX और DX यहाँ पर रजिस्टर है। तो यहाँ पर देखिए, बाद में मैं रन कर देता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पर प्रोग्राम हाल्ट हो जाएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए, AX के लोअर बिट में 08 मल्टीप्लिकेशन आपको दिखाई देता है और BX में 04। तो इस तरह से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता है। तो हमें एमुलेटर का यूज करना है प्रैक्टिकली देखने के लिए।
तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन का यूज मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब और चैनल लॉजिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।